ऑफर मिल गया। क्यों शर्बानी इतनी बड़ी फिल्म फैमिली से होने के बावजूद बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बना पाई और कैसे शर्बानी का नाम जुड़ा एक मैरिड प्रोड्यूसर के साथ? शर्बानी के दादा मुंबई के सबसे ओल्डेस्ट स्टूडियो फिल्मालय स्टूडियो के फाउंडर थे, यानी कि शशाधर मुखर्जी। अगर बात करें उनकी दादी की, तो उनकी दादी अशोक कुमार, किशोर कुमार जैसे बेहतरीन कलाकारों की सिस्टर थी, यानी कि फिल्मी माहौल तो उन्हें बचपन से ही मिला है। शर्बानी के पिता रोनू मुखर्जी थे, जो खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर ही थे। इनफैक्ट अगर बात करें रानी मुखर्जी, काजोल, तनिषा मुखर्जी और अयान मुखर्जी की, तो ये सभी शर्बानी के कजिन्स लगते हैं। इनके पिता के भाई के बच्चे हैं ये। शर्बानी के लुक्स हूबहू रानी मुखर्जी से मिलते हैं। इनफैक्ट अगर बात करें वॉइस क्वालिटी की, तो जिस तरह से रानी मुखर्जी की वॉइस अलग तरह की है, वैसी ही वॉइस शर्बानी की भी है। शर्बानी में बॉलीवुड में उस दौरान डेब्यू किया था जब शर्बानी की कजन सिस्टर काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप पर थी और रानी मुखर्जी ने भी तब डेब्यू किया ही था। जहां एक तरफ रानी मुखर्जी उस दौरान मेहंदी और राजा की आएगी बारात जैसी बी ग्रेड फिल्में कर रही थी, उसी दौरान शर्बानी को एक बहुत बड़े बैनर से ऑफर मिला था। जेपी दत्ता बॉर्डर फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें एक छोटी उम्र की लड़की की जरूरत थी जो दुल्हन बन पाए, और तब जाकर शर्बानी के बारे में उन्हें पता चला और उन्होंने ये रोल शर्बानी को दिया। उस वक्त शर्बानी स्कूल में ही पढ़ा करती थी। बॉर्डर फिल्म में शर्बानी ने सुनील शेट्टी की वाइफ का किरदार निभाया था। इस फिल्म में वो अच्छी खासी नोटिस भी हुई थी और फिल्म का गाना तो चलो इनके ऊपर पिक्चराइज था। बॉर्डर के तुरंत बाद शर्बानी ने कुछ फिल्में साइन की, लेकिन ये फिल्में बनी ही नहीं, जिस कारण शर्बानी को लंबे समय तक बिना काम के ही बैठना पड़ा। 2003 में शर्बानी नजर आई कैसे कहूं के प्यार है। इस फिल्म में वो धर्मेंद्र और सनी देओल जैसे एक्टर्स के साथ नजर आई। हालांकि उनकी कास्टिंग अमित हिंगोरानी के साथ थी और धर्मेंद्र ने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि अमित हिंगोरानी के पिता अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी दौरान शर्बानी का एक गाना आया आजा सोनिया करके, जिसमें वो समीर सोनी के साथ नजर आई थी और ये सॉन्ग तब काफी पॉपुलर हुआ था। शर्बानी के लुक्स बहुत अच्छे थे, उनकी बहनें ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन बतौर एक्ट्रेस शर्बानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही। यही कारण है कि तब उन्हें रीजनल फिल्मों का रुख करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, उन्होंने तमिल में काम किया, लेकिन उन्हें सक्सेस मिली मलयाली फिल्म में, जिस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया था। राखीली पट्टू करके ये फिल्म आई थी, जो कि एक डिलेड रिलीज थी। प्रियदर्शन ने ये फिल्म बनाई थी, उनकी ये 50वीं फिल्म थी। इस फिल्म में शर्बानी के अलावा तबू और ज्योतिका जैसी एक्ट्रेस थी और ये फिल्म सुपर हिट रही थी। इसके बाद 2010 में एक बार फिर से वो प्रियदर्शन की ही फिल्म में नजर आई, सूफी पारंजा कथा। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, ये फिल्म भी सुपर हिट रही। शर्बानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ नजर जरूर आने लगी तब जब दुर्गा पंडाल मुंबई में लगा करता था। मुंबई में हर साल जब भी नवरात्रे होते हैं तो शर्बानी और उनका भाई, जो कि खुद एक बंगाली एक्टर है, दोनों मिलकर दुर्गा पंडाल लगाते हैं और यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विजिट करते हैं। इनफैक्ट दुर्गा पंडाल में काजोल, रानी मुखर्जी, अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इन सभी को स्पॉट किया गया और वहाँ की वीडियोस हर समय वायरल होती है और शर्बानी हर साल हमें उस दुर्गा पंडाल के थ्रू मीडिया से बात करती जरूर नजर आती है। 2015 में शर्बानी को लेकर एक खबर ने काफी सुर्खियां पकड़ी, तब जब एक मैरिड प्रोड्यूसर के साथ उनके बहुत ही क्लोज रिश्ते सामने आए। अंजुम रिजवी, जो कि अ वेडनेसडे जैसी फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनके साथ कई जगह शर्बानी नजर आई थी। इन दोनों ने साथ में कई सारे पब्लिक इवेंट्स भी अटेंड किए थे और तब कहा गया था कि शर्बानी का अंजुम के साथ अफेयर चल रहा है, अंजुम जो कि ऑलरेडी मैरिड थे। इनफैक्ट मीडिया ने जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये बात भी सामने आई कि अंजुम के साथ शर्बानी का रिलेशनशिप है, इसीलिए कथा के रीमेक में उन्होंने शर्बानी का एक आइटम नंबर भी रखा है। हालांकि शर्बानी ने इस पूरे मामले में कभी भी कुछ भी खुलासा नहीं किया। शर्बानी एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से आती है,
उनकी बहनें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना सिर्फ टॉप की एक्ट्रेसेस हैं बल्कि आज की डेट में भले ही बात करें काजोल की तो अजय देवगन का उनके पास प्रोडक्शन हाउस है, वहीं अगर बात करें रानी मुखर्जी की तो वो यशराज बैनर की मालकिन है। उसके बावजूद ये बात वाकई में आश्चर्य करने वाली है कि शर्बानी जो है रीजनल फिल्में करने के लिए मजबूर है, या फिर अगर वो रीजनल सिनेमा नहीं कर रही है तो उसके अलावा वो हिंदी में कहीं एक छोटे मोटे सपोर्टिंग किरदार में भी नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात चलती है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद चलता है, वहीं अगर बात करें शर्बानी की तो बेहतरीन एक्ट्रेसेस की कजन होने के बावजूद अयान मुखर्जी जिन्होंने वेकअप सिट जैसी फिल्म बनाई जिसकी ब्रह्मास्त्र आने वाली है वो इनके कजन है, उसके बावजूद शर्बानी हमें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आती है। इंडस्ट्री में उनके रिलेशंस की कमी नहीं है, इंडस्ट्री में उन्हें कॉन्टैक्ट्स की कमी नहीं है, लुक्स भी उनके बहुत बेहतरीन हैं, रानी मुखर्जी को बहुत ज़्यादा वो रिजेंबल करती है। इसके बावजूद क्या कारण है कि शर्बानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं चल पाई? क्या रानी जैसा दिखना ही उनके लिए उनके करियर की सबसे बड़ी बर्बादी बना? क्या कारण लगता है आपको? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।